दोबारा से बता रहा हूं कि यहां पे अगर आपका साइन एक्स या कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस बी या कॉस एक्स प्लस बी है तो इसमें तीन चीजें हैं। पहली चीज डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं या तो कांस्टेंट आता है, दूसरी चीज अगर डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं तो जीरो आ जाता है, तो उस केस में ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वन अपॉन डी आता है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। और थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या है कि आपका एक क्यूबिक इंडी में होगा या क्वाड्रेटिक में होगा या फोर्थ इंडी में होगा, उस केस में डी स्क्वायर के प्लेस में जैसे ही माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो वो लीनियर इंडी में बन जाएगा जैसा कि यहाँ बना है। अब नीचे हमको इसलिए उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2d प्लस 1 है तो इसका कांजुगेट होगा 2d माइनस 1, तो इस तरीके से ये a प्लस बी, ये a माइनस बी का फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से 4d स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। फिर हम अगेन पुट d स्क्वायर के प्लेस पे माइनस a स्क्वायर पुट करेंगे यानी माइनस 1 पुट करेंगे तो नीचे आ गया कॉन्स्टेंट यानी माइनस 5 और ऊपर जो है साइन एक्स को अंदर ले लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इस तरीके से जाएगा। समझ गए हैं? अब यस सर, अब आपको न्यूमेरिकल कराते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है? जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन्हीं को हम देखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आया है 2008 में, लिखा है क्वेश्चन नंबर इसका 1, लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये लिखा है d2y by dx square plus a square y is equal to the sine ax, ये आया है d2y by dx square plus a square y is equal to sine ax। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कैपिटल डी में, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दी साइन ए एक्स, यानी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया वाई इज इक्वल टू दी साइन ए एक्स। अब यहां पे लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए आई, यानी इसको अगर उसमें लिखेंगे ये इमेजनी आ गया यानी जीरो प्लस माइनस ए आई, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया e टू दी पावर जीरो एक्स और ब्रैकेट में सी वन कॉस ए एक्स और प्लस सी टू साइन ए एक्स, ई की पावर जीरो होता है वन, यानी सी वन कॉस ए एक्स और प्लस सी टू साइन ए एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। अब इसके आगे देखिए पीआई, देखिए पीआई के लिखेंगे वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी यानी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स जब हमने लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस ए स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हो जाएगा जीरो। इसको चेक कर लेंगे, ये जीरो हो गया तो ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट हो गया तो ये हो गया एक्स और हो गया वन अपॉन टू वन अपॉन डी साइन ए एक्स, और साइन का होता है कॉस, माइनस कॉस, माइनस कॉस माइनस कॉस ए अपॉन
जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन टू ए। अब यहां पे लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू दी सी एफ प्लस पी आई, यानी y इज इक्वल टू दी सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स और प्लस यानी माइनस x कॉस ए एक्स अपॉन टू ए, ये आपका था। इसको देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सर जहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां अगर एग्जाम में लिखेंगे तो वहां लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे एग्जाम में करिए, जो टीचर होगा मैथमेटिक्स का वो समझ जाएगा। यस सर, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल लिख के दे रहा हूँ आप ऐसे ही कीजिएगा बेटा। यस सर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। अब एक और आपको न्यूमेरिकल हम करवाते हैं और उसको देखिए बेटा, न्यूमेरिकल इसमें है कि नहीं है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपका डी क्यूब वाई बाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, फिर माइनस थ्री डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फोर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू दी ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे काम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल डी में कन्वर्ट करेंगे, डी क्यूब वाई माइनस थ्री डी टू वाई और प्लस फोर डी वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू दी ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस टू वाई इज इक्वल टू दी ई टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां पे लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब यहां पे काम क्या है, ये क्यूबिक में है तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, लिखेंगे पुट डी डी एम इज इक्वल टू दी वन, वन पुट करने पे क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस फोर माइनस टू, यानी हो गया आपका माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी जीरो इज इक्वल जीरो, देयरफॉर एम माइनस वन इज अ फैक्टर, तो m माइनस वन को हम डिवाइड कर देंगे, m क्यूब माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम माइनस टू, तो m स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा m क्यूब माइनस m स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम स्क्वायर प्लस फोर एम टू, तो माइनस टू एम है तो ये हो जाएगा माइनस टू एम, तो हो जाएगा माइनस टू एम स्क्वायर और प्लस टू एम, ये हो गया प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया माइनस टू एम
ए प्लस टू एम हो जाएगा, माइनस टू तो हो जाएगा प्लस वन, प्लस टू लिख देंगे तो हो जाएगा टू एम माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से एम स्क्वायर माइनस टू एम और प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो इसके रूल बनाएंगे श्री धाराचार्य से, एम इज इक्वल टू दी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर बी अपॉन टू ए। तो इस तरीके से फोर आएगा, यानी हो जाएगा आपका वन प्लस माइनस आई। तो अब यहाँ पे रूट्स जो निकले हैं, रूट्स क्या निकले हैं बेटा, रूट्स निकले हैं एक वन निकला है, दूसरा वन प्लस माइनस आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, सी वन ई की पावर एक्स प्लस प्लस फिर ई की पावर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीएफ में? नो सर। अब आते हैं पीआई, पीआई देखिए, तो पीआई इज इक्वल टू दी क्या है, वन अपॉन ये हो जाएगा डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस टू ई की पावर एक्स और प्लस कॉस एक्स। तो इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, यानी हो जाएगा डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस टू ई की पावर एक्स और फिर लिखेंगे प्लस वन अपॉन डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस टू कॉस एक्स। इसमें अलग मेथड अप्लाई होगा, फर्स्ट मेथड, इसमें सेकंड मेथड। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है वन, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर डी इज इक्वल टू दी वन। वन रखने पे क्या आ रहा है, वन रखने पे आपका कितना आ रहा है, जीरो बाई वन माइनस थ्री, यानी माइनस ये जीरो आ जाएगा। तो ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो थ्री डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी और प्लस फोर ई की पावर एक्स, ये आएगा। इसमें आइए डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर, यानी माइनस वन, माइनस वन लिखेंगे तो ये डी क्यूब है, तो हो जाएगा माइनस डी और ये हो जाएगा प्लस थ्री और प्लस फोर डी माइनस टू कॉस एक्स। फिर यहां पे लिखेंगे अगेन पुट D इज इक्वल टू वन, वन पुट करने पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी x और वन अपॉन वन e की पावर x। यहाँ पे देखिए इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3d और प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन 3d प्लस वन cos x, यानी इसको ये तो हो गया x e की पावर x और ये हो गया इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 3d प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3d माइनस वन अपॉन 3d माइनस वन। तो इस तरीके से ये a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा x e की पावर x और ये हो जाएगा 3d माइनस वन अपॉन माइनस वन x हो जाएगा x e की पावर x, ये तो हो जाएगा 3d माइनस वन अपॉन। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट d स्क्वायर प्लेस पे माइनस वन रखेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस नाइन और माइनस वन और ये हो जाएगा cos x, cos x को ले लेंगे अंदर, ये तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस माइनस थ्री साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, यानी आपका आ जाएगा पी आई एक्स ई की पावर एक्स प्लस
सर आपका माइक म्यूट है। तो 3 cos x अब यहां पे 3 sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये पीआई आ गया। अब इसको ऐड करके लिख दीजिएगा, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई। ये न्यूमेरिकल देखिए पीआई का, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज आस्क मी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए कहाँ पे दिक्कत है ये पूछिए। सीएफ समझ में आ गया था? यस सर। सीएफ में तो प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए बेटा। सर पीआई बता दीजिए। पीआई में क्या है, ये फंक्शन एफ डी है और ई की पावर ए एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो अलग अलग ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब पहले टर्म का बता रहे हैं, यहाँ पे डी के एक्स का कोफिशियंट है 1, तो डी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने पे 0 आ जाता है, 1 पुट करने पे 0 आ जाता है, 1 - 3 + 2 ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3d² - 6d + 4, फिर अगेन पुट d इज इक्वल 1 पुट फिर करेंगे तो हो जाएगा 3 - 4 यानी 1 जाएगा। तो ये तो हो गया है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो d स्क्वायर के प्लेस पे आपका माइक म्यूट हो गया। अब डी के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, यहाँ डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, और -1 पुट करने पर तो ये हो जाएगा आपका, ये डी क्यूब है तो हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू डी प्लेस पे -1 तो -d, ये डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा, ये भी रहेगा। इसके बाद इसका आएगा क्या 3d + 1। अब इसके लिए नीचे d स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 3d + 1 है तो 3d - 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो ये तो हो गया a + b और ये हो गया a - b, तो a² - b² 9d² आ गया। फिर अगेन पुट डी स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो -9 और -1 - 10 आ जाएगा। ऊपर कॉस एक्स को अंदर लेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन -sin x और ये कॉस एक्स रहेगा। इस तरीके से ये पीआई आ गया है और इसी को ऐड करके लिख देंगे। समझ में आया? Yes, sir. आपको इसके दोनों मेथड आपको हमने बताए हैं, लेकिन जो नोट्स के न्यूमेरिकल हैं वो तैयार रखिएगा, ठीक है? यस सर। सर नोट्स वाला भेज दीजिएगा, नोट्स सेंड कर दीजिएगा। अरे भेज देंगे, वो तो हमारी, ये हमारी हेडक है, ठीक है। सुभान थैंक यू, रिकॉर्ड हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा रिकॉर्ड, ठीक है सुभान? गूगल ड्राइव पे व्हाट्सएप आ जाएगी, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा सर फोन में। गूगल ड्राइव पे अपलोड, फाइल को कंप्रेस कर दो ना, कि फाइल को कंप्रेस कर दो। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। तो ये गूगल ड्राइव पे आपको सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे पूरी जा नहीं पाएगी, फाइल बड़ी है। दो सेकंड, अरे तो फाइल को कंप्रेस कर दो ना हैंड ब्रेक से। कितनी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी हैंड ब्रेक में? हैंड ब्रेक में भी इतनी कंप्रेस हो जाएगी?
लिंक भेज देंगे सर, आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। हाँ वही तो। गूगल ड्राइव पे आप जी सर। हेलो बेटा, मैं ये कह रहा था कि हम आपको अपना ईमेल भेज दें, उस पे आप सेंड कर देंगे। जी सर, जी सर, सर वो लिंक भेज देगा, लिंक पे जी सर, ठीक है।